अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध देशी शराब के कुटीर उद्योगों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इन चार देशी शराब के तस्करों के साथ भारी मात्रा में अवैध देशी शराब गोसाईगंज पुलिस व स्वाट टीम ने बरामदगी की है। पुलिस ने गोसाईगंज की महबूबगंज थिरुबा नाला के पास से गिरफ्तारी की है, जिनके पास से अवैध शराब में 2 बोरी 142 cc देशी शराब, 200 ml की cc और गो ऑरेंज व ऑरेंज की देसी शराब, 15 ढक्कन व 8 रैपर, 9 बारकोड, 2 जरिकेन में 80 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुई है। वहीं शराब के तस्कर अयोध्या और गोंडा के जनपद के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए SSP शैलेश पांडे ने बताया कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र में 4 शातिर अपराधी जो अवैध देसी शराब का काम करते थे, जनपद की गोसाईगंज पुलिस व स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 जनपद अयोध्या के और 1 जनपद गोंडा का रहने वाला है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब में 2 बोरी में 142 cc देशी शराब, 200 ml की cc और गो ऑरेंज व ऑरेंज की देसी शराब, 15 ढक्कन व 8 रैपर, 9 बारकोड, 2 जरिकेन में 80 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुई है। पकड़े गए 4 शातिर अपराधियों पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत, इसके अलावा फर्जी प्रपत्र तैयार करने व जालसाजी के मामले में जेल भेजा जा रहा है। थाना गोसाईगंज क्षेत्र से 4 शातिर अपराधी जो अवैध शराब का काम करते थे, उनको थाना गोसाईगंज टीम और जनपद की स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ये 4 सदस्य फूलचंद, राहुल, अनूप पांडे और हनुमान मिश्रा है, जिसमें से 3 जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और 1 जो इसमें अभियुक्त है हनुमान मिश्रा, वो जनपद गोंडा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 40 लीटर के 2 ड्रम जिसमें स्प्रिट भरी हुई है वो बरामद किया गया, उसकी केमिकल एनालिसिस कराई जा रही है। साथ ही साथ अवैध तरीके से पैक किए हुए शीशियां जिसमें डिफरेंट लेबल्स, ब्रांड्स के लेबल लगे हुए हैं, ढक्कन, रैपर, मोटरसाइकिल, बारकोड इत्यादि इनके पास से बरामद किया गया। इसमें एक अभियुक्त फूलचंद कपूर का भी आपराधिक इतिहास है, बाकी अभियुक्तों के बारे में उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनकी जो मॉडल ऑपरेंडी अभी तक पता चली है, उसमें ये पता चला है कि फूलचंद और अनूप को राहुल हनुमान मिश्रा के यहां से जो स्प्रिट है वो लाके इनको प्रोवाइड करता था और इनके द्वारा ये बनाया जा रहा था। इसमें कुछ और लिंकेजेस मिले हैं, उन लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि टीम द्वारा आने वाले दिनों में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRSTN News। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।